फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और अब हम करने वाले हैं टेट एग्ज़ाम के आगे के क्वेश्चन सॉल्व। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हेन योर लैंडलॉर्ड एग्जॉर्बिटेंटली यूज द ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बट यू आर बींग क्रिटिसाइज इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस देन यू थिंक। यानी कि आप कहीं पर किराए से रहते हैं और आपका एक घर मालक है, तो घर मालक क्या करता है, जेव्हा तुमचा घर मालक बेसुमारपणे पिण्याचे पाणी आणि वीज वापरत असतो परंतु तुम्ही सर्व ती काळजी घेऊनही तुमच्यावर टीका केली जाते। यानी कि तुम तो है कि नहीं क्या करते, आराम से अपने प्रिकॉशंस लेते हुए पानी और बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हारा घर मालिक बहुत ज़्यादा पानी और बिजली का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन टीका किस पर कर रहा है, तुम पर। कमेंट किस पर पास कर रहा है, तुम पर। तो इस वक्त आप क्या करेंगे, ऑफ अदर इग्नोरेंस, यानी कि हम क्या करें, क्या आप उसको इग्नोर करेंगे या फिर ऑफ बींग लैंडलॉर्ड, एक घर मालिक असनियाचा वो रोब दिखा रहा है ये सोचेंगे और उसके व्यवहार को गैर मुंतखी या इरेशनलिटी समझेंगे या फिर ऑफ देयर प्रायोरिटीज़ या उसको तरजीह देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ इरेशनलिटी, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो गैर मुंतखी है, असमंजसपनाचा आहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमको एक डायरेक्शन दिया गया है, सूचना दी गई है जिसके मुताबिक हमको आंसर निकालना है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्व तुरंग अतिग्रह आहेत, यानी कि हम तुरंग को क्या करते हैं, सर्कल से क्या करते हैं, सिंबल से, सर्कल से वो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी तुरंग, तुरंग के पास लिखते हैं हम टी। उसके बाद है कि नहीं, फिर हम क्या करते हैं, सर्व तुरंग अतिग्रह आहे, तो ये है हमारी तुरंग और ये है हमारे अतिग्रह। क्या है, अतिग्रह। तो अतिग्रह के पास हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ओके, अतिग्रह के पास हम क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, सर्व तुरंग अतिग्रह आहे। ये जो है तुरंग है और सर्व तुरंग क्या है, अतिग्रह है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि सर्व अतिग्रह है आरामदायक आहे, यानी कि ये जो अतिग्रह है ये क्या है, आरामदायक है। क्या है, आरामदायक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ए एम से डिनोट कर देते हैं, ए एम। ओके, अब देखिए दोनों सेंटेंस हमने फिगर में क्या करे, डिनोट कर दिए, सर्व तुरंग अतिग्रह है यानी सर्व अतिग्रह है क्या है, आरामदायक है। अब इसके हमारे पास निष्कर्ष कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं निष्कर्ष, सर्व तुरंग आरामदायक है। तो देखिए तुरंग कहाँ है, अंदर के साइड है, और आरामदायक कहाँ पे है, आरामदायक का सर्कल बाहर आए, यानी आरामदायक के अंडर में कौन आ रहा है, तुरंग। तो ये जो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष है या स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है वो क्या है, राइट है एकदम। लेकिन सेकंड वाला क्या है, कौनता ही तुरंग आरामदायक नहीं। देखो सेंटेंस में हमको क्या बोला गया था कि सर्व तुरंग अतिग्रह आए और सर्व अतिग्रह आरामदायक है, और इन्हें क्या बोल रहा, आरामदायक नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो ओनली कंक्लूजन वन इज हियर करेक्ट। तो अब देखिए आंसर की तरफ आते हैं हम, ये है हमारा आंसर। देखिए तो आंसर में हमको बताया गया है कि इफ ओनली वन कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यानी कि सिर्फ एक कंक्लूजन इसमें करेक्ट है। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमें निकालना है SCF, यानी कि हमको मसावी निकालना है। क्या निकालना है, मसावी निकालना है। तो मैं फिर भी आपको मेथड बता देती हूँ और करेक्ट आंसर आप इसे क्या करें, अपने नोटबुक में सॉल्व कर ले। ठीक है, कितने हैं, 620, 740 और 1280। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 620, यहाँ पे हम लिख देंगे 740, यहाँ पे हम लिख देंगे 1280। ओके, अब बस इसको हमको क्या करना है, इसका SCF निकालना है। आप देखिए आपके हिसाब से, आप 3 से भी निकाल सकते हैं या 2 से भी। 2 से निकाले तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 0, 2 × 6 = 14, 0 × 0 = 12, 2 × 8 = 0 = 0। तो इस तरह से अब इसको आप क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और इसके बाद इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, इससे यहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आपका आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है SCF का वो हम देखते हैं। आइए नीचे की तरफ जाकर, करेक्ट जो आंसर है आपका वो है 20। करेक्ट आंसर क्या है आपका, 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर है कि नहीं क्या दिया गया है कि तुम्हें एक तरह जवाबदार कीवा कटोरा है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है, यू आर एदर रिस्पॉन्सिबल और कैलियोस, कि या तो तुम जवाबदार है या फिर क्या है, लापरवाह है। तो अब इसके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वो हमको सही क्या है, ढूंढना है। ओके,
तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या है, देखिए आप या तो जिम्मेदार है या लापरवाह है। यू आर एदर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलियस, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर नॉट कैलियस, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो आप कैलियस काहिल हो सकते हैं क्या? नो। सो ए एंड डी आंसर निकलेगा, देखते हैं आइए आंसर कहाँ है हमारा। देखिए आंसर डी ए उल्टा करके दिया गया है, सो नो प्रॉब्लम, ए डी लिखे या डी ए लिखे बात तो वही है कि आप जिम्मेदार हैं लेकिन लापरवाह नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, कि जो बीम हाईली डायरेक्शनल होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे है कि नहीं इंग्लिश में लेज़र कहा जाता है, और आइए हम देखते हैं आंसर करेक्ट। देखिए ये है लेज़र यहाँ पे हमारा आंसर, ओके ये यहाँ पर भी लिया गया है, और अगर ऑप्शंस अदर भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ये है इरेजर रबर, ये है ग्रेजर, ये मैसर, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृत्ति संकल्पना कौशालीय वदियान ही याची फलिते आहेत, एटीट्यूड कंसेप्ट स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ, ये सब किसके प्रोडक्ट्स है? तो देखिए एटीट्यूड हो, कंसेप्ट हो, स्किल हो या नॉलेज हो, ये सब लर्निंग इल्म सीखने इसका क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो आइए आंसर की तरफ, आंसर क्या है, लर्निंग सीखने इल्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34% चा अपूर्णकांत रूपांतर करा, कन्वर्ट 34 इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या किया जाए, कन्वर्ट करे या फिर इसका फीसद निकाले। तो 34% है, परसेंट मतलब 100 बाय 340 बाय 100, इसे क्या करे, दो से कैंसिल करे, 2 5 10, 0 का 0, 2 1 2 1 1, कितना बचा, कितना शिल्लक राहिला, 1 इथे लावले तर 14, कितने हो गए, 14, 2 7 14, सो 17/50 इज अवर आंसर। और यहाँ पर हमारे पास पहले ही आंसर दिया है फर्स्ट लाइन में ही, और अब आइए नीचे की तरफ आंसर देखते हैं, आंसर राइट है 17/15। ओके देखिए हमारा जो टेट का एग्ज़ाम है वो इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। उसके बाद देखिए हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ हमको सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये सॉल्व करते वक्त कि कितने वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए एक कंप्लीट सीरीज़ तो दिए हुई होती है इसमें, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कंप्लीट सीरीज़ दिए हुई है NPMN, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है हमारी NPMN, इसके थ्रो हमको ये पूरी लाइन सॉल्व करना है। तो देखिए एन के बाद कौन आ रहा है, पी, तो ये एन के बाद डैश है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पी। उसके बाद क्या है, एन हो गया पी, एम एन पी, पी के बाद यहाँ पे देखिए कौन है, एम है, उसके बाद एन है, तो फिर क्या आएगा, एम एन आएगा। उसके बाद देखिए एन पी एम एन, एन के बाद यहाँ पे देखिए कौन आया था, पी आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आया, पी एम एन पी इज द आंसर। देखिए नीचे आंसर की तरफ आके देखिए पी एम एन एम पी, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ है, करेक्ट। सीरीज़ को चेक करिए आराम से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी मार्क्स मिल जाएंगे। 15 सेकंडा मधे काटे दुधारे काय कौन बनवाले जाते, देखिए अगर हमें कि नहीं 15 सेकंड बोला गया है और इसका कौन एंगल पूछा गया है, व्हाट एंगल इज मेड बाय सेकंड। तो देखिए हमारे पास जो घड़ी होती है ये ऐसी घड़ी होती है, यहाँ पर 12 लिखा होता है और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, तो अगर कोई भी काटा इस तरह से कौन बनाता है, तो ये कितने का होता है, 90 का होता है। तो जिस तरह से आवर है कि नहीं इस तरह से कंप्लीट होता है, उसी तरह से सेकंड्स भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ओके तो 15 सेकंड बताया गया है, अगर यहाँ पूरे 60 सेकंड होते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ 1 2 3 लेते हुए जाएंगे हम, तो यहाँ पर 60 आके रुकेगा और यहाँ पे 1, तो देखिए 1 to 60, यानी कि अगर हम इसका आधा कर दे तो इधर 30 हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा, और 15 सेकंड बोला गया है इसका सेंटर लेके, अगर इस लाइन से हम 15 सेकंड इधर निकाले या फिर इधर भी निकाले, तो 60 माइनस, तो देखिए ये जो एंगल बनता है 15 का, देखिए 60 को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 में, ठीक है 15 सेकंड में, तो ये हो गया 15, क्या हो गया 15 सेकंड हो गए, तो ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो आइए हम देखते हैं आंसर, एंगल है, आंसर है 90, सो इट इज़ अवर करेक्ट आंसर। ओके देर इज़ अ नो प्रॉब्लम इन सोल्यूशन। ओके आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सेल्सियस मोज पट्टी वर पूर्ण शून्य म्हणजे काय, द एब्सोल्यूट जीरो ऑन अ सेल्सियस स्केल, तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है, साइंस का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। आइए -23
0.15 सेंटीग्रेड, ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एकेडमी ऑफ साइंसिया, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अपने टेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और टेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।